इन फुटपाथों पर सोने वाले मजदूर आसपास के जिलों से आते हैं और इस खुले आसमान के नीचे सो जाते हैं। अब की बार ठंड काफी तेज थी, 2 से 3 डिग्री तक तापमान था। जो मरा वो लावारिसों की तरह जला या दफना दिया गया, जो बचे वे अगली रात फिर फुटपाथों पर सो रहे थे। आप कहाँ सोते हैं? मैं अशोक सम्राट के पेड़ के पास। अशोक सम्राट के पेड़ के पास? अच्छा, तो आपने अपना आशियाना अभी तक बनाया नहीं? नहीं, ऐसे ही दे दे। मेरा आशियाना बाप रे बाप, यही पेड़ ही काफी था। सरकार ने ठंड से बचने के लिए अस्थायी शेल्टर बनवाए थे, पर जितनी संख्या में ये मजदूर हैं उस लिहाज से ये बहुत ही कम थे। प्रशासन ने इनके लिए व्यवस्था की, जैसा कि आपने देखा वो किस तरह की व्यवस्था थी। इनके लिए अस्थायी शेल्टर बनाए गए जहां पर ये रात में आकर के रुक सकते थे। लेकिन इतने सारे मजदूर इन 4 शेल्टरों में जो प्रशासन ने यहां बनवाए हैं, इनका गुजर बसर कैसे हो सकता है? फिर भी जब मैं इनके पास गया और इनको जगा करके पूछने की कोशिश की तो मैं इन्हें जगा ना सका, क्योंकि बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। इतनी जाड़े में आपने अपने को कैसे बचाया? अब यही रहते हैं, बचा। अच्छा, अब मान लिया रैन बसेरा तो अभी है। हाँ। और यह हट गया, फिर कहाँ सोएंगे? फुटपाथ पे। तो इनके लिए सुविधा यहाँ पर क्या है? सुविधा यहाँ दरी है, कम्बल है, लैट्रिन की कोई व्यवस्था नहीं, अपना जहाँ मन हो वहाँ फिर करें। ये सब व्यवस्था कौन कर रहा है? नगर निगम। तो इतनी जाड़े में आप यहीं सड़क पे सोते हैं? हाँ, रोड पे। जो सरकार ने बनाए शिविर उसमें नहीं सोते हैं? नहीं। इनको जहाँ जगह मिल गई फुटपाथ पे ये वहाँ सो गए, किसी ने उठा दिया तो उठ के चले गए और दूसरे जगह सो गए। ये कैमरा जिसे कभी पकड़ा नहीं था, आज कैमरे को पकड़ता हूँ और चलाता हूँ, और बड़े विश्वास के साथ चलाता हूँ। लोगों के बीच में एक पत्रकार के रूप में जाना जाता हूँ। मैं अजीत बहादुर, इंडिया अनहर्ड के लिए इलाहाबाद से।